सुप्रभात बेटा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं साखी में आपको 10 दोहा पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको 3 दोहे पढ़ाऊंगा और 13 दोहे आपके हो जाएंगे। फिर 2 और बचेगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पे कबीर दास का क्या कहना है। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख ही आवास। कबीर दास जी कह रहे हैं गरबियो माने गर्व करना, घमंड करना, ऊंचे देख ही आवास, ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर। मनुष्य को कभी भी अपने ऊंचे ऊंचे भवन को या अच्छे भवन को देख करके, घर को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए। काली परियां भवे लौटना, भवे मीन्स भूमि। अगर कल ही उसकी मृत्यु हो जाती है या भूमि पर उसे दफनाया जाएगा तो उसके ऊपर केवल घास ही जामेगी, उसे देखने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो यहाँ कवि कबीर दास जी है मनुष्य के अहंकार को बता रहे हैं कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल सबको ही इसी भूमि पर लौटना है, अर्थात उसकी मृत्यु होनी है और मृत्यु के पश्चात उसके ऊपर घास ही जमना है। अगला देखेंगे, बारहवां दोहा है। यह ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल। कवि कबीर दास जी कह रहे हैं कि यह संसार कैसा है, सैमल के फूल की तरीके है। आपने सैमल का फूल देखा होगा। जो सैमल का फूल होता है वो केवल 10 दिन के बाद ही, 10 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, और 10 दिन के बाद ही वो सूख जाता है, मुरझा जाता है और सूख करके गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार जो है मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य भी अपने झूठे रंग में भूले हैं और कुछ ही दिन पश्चात जो है वो काल के गाल में समा जाते हैं। ठीक है बेटा, अब तीसरा वाला देखेंगे, लास्ट। यही अवसर चेत्या नहीं पशु जीव पाली दे। यहाँ कबीर दास जी मनुष्य के बारे में कहते हैं कि मनुष्य ऐसा है कि जो मनुष्य का जन्म पा करके इस अवसर को चेत्या नहीं, समझ नहीं सका, और पशुमंस जानवर पाली माने पाला, देह में सही, और जानवर के जैसे शरीर को पाल करके, ठीक है, इतना अपने आप अभिमान कर रहा है। राम नाम जाड़िया नहीं, कभी भगवान का नाम जाना नहीं, उनका नाम लिया नहीं, तो ऐसे मनुष्य को अंत में उसके मुख में खे माने मिट्टी, मिट्टी ही पड़ती है। अर्थात ऐसे मनुष्य को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और उसकी दुर्गति ही होती है। ठीक है बेटा, अब 2 दोहे आपके बचेंगे इस चैप्टर में, 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा और ये आपका पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा।